इन दोनों कलर को यूज करके बताई देते हैं इन दोनों कलर में से कौन सा कलर बेस्ट है। मार्कर पेन के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, आर्टिस्ट कलर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम एक ड्रॉइंग शीट को दो पार्ट में डिवाइड करके एक साइड लिख लेते हैं मार्कर पेन, एक साइड आर्टिस्ट कलर। आज हम एक बटरफ्लाई ड्रॉ करने वाले हैं। आप हमें कमेंट में बताना हम अगली वीडियो में क्या ड्रॉ करें। हमने बटरफ्लाई तो ड्रॉ कर लेते, अब बारी थी मार्कर पेन से कलर करने की। मार्कर पेन तो मेरे फेवरेट है, ये एक ड्रॉइंग को रियलिस्टिक लुक देने के लिए बेस्ट कलर है। अब यूज करने वाले हैं आर्टिस्ट कलर। ये कलर बहुत सेंसिटिव होते हैं, इन्हें बहुत ध्यान से करना पड़ता है, अगर इधर से उधर भी हुआ तो पूरी ड्रॉइंग शीट खराब कर देते हैं। हमारा दोनों में कलर तो हो जाता है। अब बारी थी ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन करने की। बिना आउटलाइन के एक ड्रॉइंग आधी अधूरी लगती है। हमारी दोनों में आउटलाइन हो जाती है। अब देखते हैं इसकी फाइनल लुक। आप गेस्ट करके अपनी राय कमेंट में बताना आपको इन दोनों कलर में से कौन सा कलर पसंद आया।